मैं मोहम्मद सिदर वारसी और आप देख रहे हैं हसन जान वारसी यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आप तक पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, आज हमारा आज ये दूसरा पार्ट इसका थ्री है और हमारे साथ मौजूद है अब्बास प्रेमी। उनका कहना ये है कि उनकी मुलाकात अनिल कपूर से भी हुई है, उन्होंने उनके गले भी लगाया था अभिनया मूवी में, एक मूवी थी, मूवी की शूटिंग के दौरान उनसे गले भी लगे थे। और उनका ये भी कहना है कि उनकी बीवी की तनाई ने उन्हें सब कुछ सिखा दिया है, डांस करना, गाने लिखना। चलते उनसे बात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपने सुना कि हुकूमत क्या कर रही है, बकरे का गोश्त खा रही है और मतलब आवाम कहाँ चली गई है। मेरा तो ख्याल ये जी कि मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान ऐसा लगता है बाज़ औक़ात कि वेंटिलेटर पर है। खैर, ये हम बात करेंगे आपकी अज़दवाजी हैसियत से। तो बात मेरा मन कर रहा है कि पहले वो कर लूँ फिर फनकाराना सलाइन की तरफ आऊँगा। आपकी जो आपने अभी मुझे बताया था कि उसका जोड़ा टंगा हुआ है इनकी बेगम, और उसको जोड़े को देख के मैं ये करता हूँ। अब क्या हुआ था भाभी को, क्या कहते हैं, कितना अरसा हो गया उनके इंतकाल को, क्या था, कितनी मोहब्बत थी आप? मेरी वाइफ के लोगों को पता चले, मेरी वाइफ को, यानी उर्दू में भी बोलते हैं मेरी बीवी यानी वाइफ, मेरी वाइफ को शुगर थी और शुगर का मर्ज था, और शुगर ऐसी थी कि उसके कोई चोट लग जाती, ज़ख्म हो जाते थे। तो वो एक मरतबा उसका कमर का ऑपरेशन हुआ है और दूसरी दफ़ा फिर कमर का हुआ, फिर उंगली का हुआ। मैं वली का अस्पताल का मुलाजिम था, लिहाजा वहाँ मेरा पैनल पर इलाज हो रहा था मेरी बीवी का। जो वो मेरा जो है ना, मेरी नौकरी जो है ना वली का अस्पताल से कुछ सरपंचों ने मेरी टर्मिनेंट नौकरी, जो परमानेंट नौकरी थी वो मुझे टर्मिनेट कर दिया, नौकरी ख़त्म कर दी गई। पता नहीं तनख्वाह भी वो खा रहे नहीं खा रहे वली का अस्पताल वाले। और मुझे वहाँ से मैं ना मुझे जीपी फंड मिला और ना मुझे कोई पैसा मिला, और मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे बसर कर रहा हूँ गरीबी के अंदर, जबकि मेरी नौकरी थी पक्की। लिहाजा मेरे ऊपर तोहमत इल्ज़ाम लगाए कि तुम्हारे उम्र ज़्यादा है इसलिए हमने तुम्हें निकाल दिया। जिस वक्त मेरी उम्र ज़्यादा थी तो उस वक्त तुमने क्यों नहीं देखा कि मुझे जब परमानेंट किया, जब मुझे परमानेंट किया तो फिर मुझे नौकरी से क्यों हटाया गया? लिहाजा शर पसंद उन्होंने मेरी वो करी कि मैं जो था, जो ज़्यादातर जो है ना, मैं बहुत मेहनत से काम करता था अस्पताल में, मैं एक मामूली सा वॉचमैन था, और मगर मेरी काबिलियत और मेरे टैलेंट की वजह से एमएस ने, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने मुझे जो है ना स्टोर में लगा दिया था, जिसमें मैं सामान देता था, झाड़ू पोछे साबुन वाबुन फिनाइल वगैरह देता था। और जो मेरा जो इंचार्ज था, मैं उसका काम करता था, वो कभी आता था कभी नहीं आता था, उसका काम है यहाँ। इसलिए तो मुझे जो है ना मेरी बहुत इज्जत थी अस्पताल के अंदर, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से नौकरी की। जिसने 22 साल लोग कहते हैं 25 साल नौकरी की, उन्होंने इतने अरसे में मेयार नहीं बनाया, मैंने इतने अरसे में मेयार बना लिया था अपना, और मैं पॉपुलर हो चुका था। आज भी मेरी वली का अस्पताल में मैं जाता हूँ कभी कभा तो मेरी इज्जत है, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लिहाजा मेरी नौकरी ख़त्म हो गई, अब मैं बताइए मैं किसके सहारे अपना खर्चा चलाऊँ? मैं बेरोज़गार हूँ, ना मुझे कौन पैसा देगा इस उम्र में? मेरी उम्र जो है ना, क्या नाम है, नौकरी ख़त्म हुए हुए तकरीबन उम्र रसीदा उम्र ज़्यादा हो चुकी है। अब मैं क्या करूँ, मैं किधर से पैसा लाऊँ, अपना ज़रिया माश कहाँ से करूँ, कैसे खाऊँ कैसे पीऊँ? अच्छा, इससे पहले कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो था मेरा अपना पर्सनल मसला, अब रह गई बात ये कि आज से 28 साल पहले मैं हिंदुस्तान गया था। हिंदुस्तान गया था तो मैं घूमने के लिए बम्बई में गया। मेरी रजाक भाई थे, परशीन दरबार भाई कल्ला में होटल था, उन्होंने मुझे भेज दिया शूटिंग के ऊपर, क्या नाम है, अभिमानियों की शूटिंग हो रही थी केमी काटकर, हम पता नहीं काटकर या काकड़े, मुझे सराम सही नहीं पता। उसने मुझे ऑटोग्राफ भी दिया, अनिल कपूर ने मुझे मोस्ट वेलकम कहा, और उसने मेरे साथ फिल्म बनाई, मतलब ये उसने मेरे साथ जो है ना मूवी बनाई और मेरे साथ तस्वीरें खिंचाई। और मेरे से अनिल कपूर जो था ना, एक 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 हिंदू मज़हब होके एक मुसलमान के साथ उसने अच्छा तरीका पेश किया और मुझे मेहमान भी बनाया। लिहाजा मेरे पास पैसा ख़त्म हो चुका था, अनिल कपूर साहब कह रहे थे कि आप ठहरो तो मैं आपको फिल्म में लेता हूं, तो मुझे उस वक्त कोई शौक नहीं था और ना मेरे पास पैसे थे कि मैं इतने बड़े आदमी के साथ अगर मैं उसकी चाय पीऊँगा अपने हाथ से। उन्होंने प्याले में, अभी मानियो शूटिंग में मुझे अपने प्याले हाथ से प्याले में चाय पिलाई थी अनिल कपूर साहब ने, वो तस्वीरें थी मेरे पास,
कुछ वो मेरे घर में आग लग गई थी कुछ अरसे पहले, उसमें वो जल गई, उसका कोई मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। बहरहाल अनिल कपूर अगर ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और सुनेंगे तो मैं उनका बड़ा दोस्त हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ अनिल कपूर से, मुझे अपना नंबर भेजें और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ अनिल कपूर साहब से। और ये मेरी वीडियो ज़रूर देखें, मैं ज़ख्मी दिल हूँ, मैं बिल्कुल तना हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं लावारिस हो चुका हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल लावारिस आदमी हूँ, लिहाजा अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप अनिल कपूर साहब अगर मेरी वीडियो देखें, वो देखें तो मुझसे मुझे नंबर दें और मेरे नंबर पे मुझसे बात करें ताकि मेरा दिल खुश हो गया। मुझे पुरानी यादें याद आ रही हैं, ये 28-30 साल पुरानी बात है, जो अभी मानियो फिल्म बनी थी उस शूटिंग में मैं मौजूद था। अच्छा, आपने उसमें काम भी किया था? नहीं, मैंने काम नहीं किया था, वीडियो बनाई थी उन्होंने, मेरी फोटो बनाई थी झप्पी डाल के, ऐसे ऐसे केमी काटने ने भी बनाई थी, हाँ केमी काट कर उसने ये कहा, मैंने उनमें दस्तखत करने लगी तो केमी काट कर कहने लगी कि अंगूठा छाप, लिहाजा मैंने जो भी है उसने वो भी मेरे पास रिकॉर्ड था। लिहाजा मैं अनिल कपूर से प्यार करता हूँ, अनिल कपूर मेरी मुझे देखें और मुझे अपना नंबर दें और मुझसे बात करें, मुझे कोई आपसे दौलत लेने की तमन्ना नहीं है अनिल कपूर साहब। मैं ये वाला जो खास तौर से क्लिप है जिसमें अनिल जी को ये कर रहे हैं, और ये मैं स्पेशली जो है अपने फेसबुक पर, क्योंकि उस पेज पर मेरे तकरीबन सारी इंडियन कलाकार होते हैं, जी जी मैं भी भेज दूंगा उनको, जी जी उनके पेज पर भी भेज दूंगा। लिहाजा मुझे नंबर दे, मेरे मोबाइल नंबर पे मेरा नंबर ये नोट कर ले, इस वक्त व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 03132480340। मेरा नाम है अब्बास प्रेमी, वैसे पूरा नाम है अली अब्बास प्रेमी, मुझे शॉर्टकट में मुझे अब्बास प्रेमी लोग कहते हैं, इस हवाले से मैं पुकारा जाता हूँ। लिहाजा अनिल कपूर साहब ये देखें और मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, मोहब्बत करना चाहता हूँ, आपसे मैं मिलना भी चाहता हूँ दोबारा। क्यों, अब मैं उम्र रसीदा हो गया, जिस वक्त आपकी मेरी मुलाकात थी तो उस वक्त मैं यंग जवान था, ना मेरी शादी हुई थी, मेरी कोई औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे। अब माशाल्लाह मैं चार बेटियों का बाप हूँ और एक बेटा है, मेरे 12 बच्चे हुए थे जिसमें से 5 बच्चे इंतकाल कर गए, जिसमें मेरे 6 बेटे थे और 6 बेटी हैं, जिसमें से 4 बेटी मौजूद हैं और 5 लड़के इंतकाल कर गए और दो लड़की हैं। लिहाजा मेरे एक ही बीवी से 12 बच्चे हुए थे, ऐसे तो मेरे कितने बच्चे जाए वो मैं नहीं लगाता, जो दुनिया में आए मैं उनको लगाता हूँ XYZ। लिहाजा एक ही बीवी से मेरे 12 बच्चे थे, अब मेरे 5 बच्चे हैं, जिसमें से मेरे लड़के का नाम है, बड़े लड़के का नाम है एक ही जो है आकिल अब्बास, दूसरे बेटी का नाम है आयशा अब्बास और तीसरी बेटी का नाम है अरूज अब्बास, चौथी का बेटी का नाम है उज़्मा अब्बास और पाँचवें बच्चे का नाम है लड़कियाँ जरीन अब्बास, जरीना नाम है उसका पूरा। अभी मैंने हाल ही में उसकी शादी की है, 9 तारीख को शादी हुई थी, 13 तारीख को वलीमा, ये मेरी बेटी थी फारिग हो गई शादी से, अब मेरी बेटी सब फारिग हो गई, अब मैं तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी अजीरन हैगी, बस मैं क्या करूँ। अनिल कपूर साहब मैं भी इंडिया आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे दोबारा मिलना चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है। लिहाजा मुझे जो है ना, आप मुझे बहुत पसंद है, आपका अखलाक मुझे उस वक्त बहुत पसंद आया अनिल कपूर साहब, आप मुझे याद करें, पुरानी अभी मानियो फिल्म देखे उसमें आपने मुझे शूटिंग के दौरान में मिट्टी के प्याले में चीनी के प्याले मुझे खुद चाय लाकर मुझे पिलाई थी, और जिस वक्त आप मेकअप रूम में गए थे तो मुझे तलाश कर रहे थे कि आप कहाँ हैं, आप मुझे तलाश कर रहे थे तो मैं अचानक सामने आया तो आपने कहा कि मैं आपको तलाश कर रहा था, मैंने कहा अनिल साहब मैं भी आपको देख रहा था। आप इस बात को गौर करते हुए अभी मानियो फिल्म की शूटिंग का याद रखिए, कोई बंदा पाकिस्तान से आया था जो आपसे मिला था वो आपको बहुत मिस करता है, वो मैं हूँ अब्बास प्रेमी, मैंने अपना नंबर इसमें दे दिया हैगा। लिहाजा ये नाम बताया था अब्बास प्रेमी नहीं, अली अब नहीं, पर उस वक्त तो नाम हम नहीं कब हुए ये जो है मैं ये मुझे प्रेमी जो दिया है, जिसमें मैं वली का अस्पताल में था, मैं लोगों की खिदमत करता था, तो मैं हिंदू से भी प्यार करता था, क्रिश्चियन से भी प्यार करता था, आतिश परस्त से भी, मुसलमान से भी, हर मज़हब से, हर कोई सा मज़हब है, मेरे दरमियान में कोई मज़हब नहीं होता है, मेरे दरमियान में सिर्फ मैं इंसानी रिश्ता रखता हूँ XYZ, मैं इंसान को समझता हूँ और हर के लिए मैं मोहब्बत रखता हूँ, तो मुझे सारे लोगों ने प्रेमी का खिताब दिया था, मुझे वलीका से प्रेमी का खिताब मिला और आज मैं प्रेमी नाम से चल रहा हूँ, मुझे मिनिस्टर भी प्रेमी कहते थे, शेला रज़िया भी प्रेमी कहती थी, और लहजा शेला रज़िया जो अगर देख रही है मेरा प्रोग्राम, मेरी वो CC इदारे में मैं मुलाजिम था, वो उस वक्त वो भी
जो मिनिस्टर थी अब भी मिनिस्टर होंगी, बहरहाल मुझे नहीं पता क्यों मैं तो मेरी नौकरी तो ख़त्म हो गई है। लिहाजा शैला रज़ा भी गौर करें, आपने ये कहा था शैला रज़ा साहब ने, आप मैं उस वक्त लिखा था अली अब्बास नाचीज़, तो आपने कहा था शैला रज़ा ने कि आप नाचीज़ नहीं हैं, आप बहुत बड़ी चीज़ है, आपने आपको नाचीज़ ने कहा करें, तो लिहाजा उन्होंने मुझे मना किया था। उस दिन से लोगों ने मेरा नाम प्रेमी डाल दिया, अब्बास प्रेमी कहते हैं मुझे। अच्छा, अस्पताल में हर जगह ये प्रेमी यूँ लगा। अच्छा कुछ हमारे वैसे भी सुनने आया कोई सिंगर है उनके भी नाम प्रेमी है, लेकिन वो तो खाली औरतों से प्रेम करते हैं, तो आप तो सबसे करते थे। मैं सबसे कहता हूँ मेरा औरत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बच्चे से भी प्यार करता हूँ, मैं छोटे बच्चे से प्यार करता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि मेरा ही बच्चा हो, किसी का भी एक्स वाइज बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे वो क्रिश्चियन का बच्चा हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं सबसे प्यार करता हूँ। मेरे मंशूर में है सबसे प्यार करना। प्रेमी उसको कहते हैं कि जो सबसे प्यार करे। प्रेमी ये नहीं है कि अपना मतलब निकालने लें प्रेम करे। प्रेम जो होता है, प्रेम जो एक ऐसी चीज़ है जो प्रेम हर आदमी नहीं जानता, प्रेम वही जानता है जिसने प्रेम किया हो। अच्छा आपने प्रेम किया अपनी वाइफ से? मैं अभी भी अपनी वाइफ से प्रेम करता हूँ। उनका जोड़ा लटकाया हुआ आपने? मैंने अपनी वाइफ का जोड़ा लटकाया हुआ है, मैं उसको देखता रहता हूँ और लेट जाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है फिर उठता हूँ, मुझे उठते के साथ फिर मुझे गाना याद आता है या मुझे अफसाना ज़िंदगी याद आता है या स्टोरी नजर आती है ड्रामे की, मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। गाना कौन सा गुनगुनाते हैं जब उनकी याद आती है? मैं तो हर किस्म का गाना गुनगुनाता हूँ, मुझे गाना नहीं आता, मेरे अंदर जरासीम नहीं है, मैं गाने लिखता हूँ। नहीं, मैं जो है ना अपनी तन्हाई में मैं बेला डांस भी सीख गया हूँ। हाँ। मैं हर अदाकारी सीख गया हूँ, इंडिया की हर डांस में अदाकारी कर सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, हर एक्टिंग कर सकता हूँ। ये मैं अपनी बीवी के 2 साल के अंदर परछाई के ऊपर मैंने डांस सीखा है भाई, मैंने किसी को मेरा उस्ताद नहीं है। नहीं उसकी हम बात करेंगे बाद में, आपकी फनी सुनाई उसे। अभी हम बात कर रहे थे कि मतलब वाइफ से आप जो प्रेम करते थे तो वो प्रेम जो है अभी तक कायम उदायम है? बिल्कुल कायम रहेगा और हमेशा, क्या चाहे मैं शादी भी कर लूँगा, प्रेम तो प्रेम है। अच्छा अगर किसी से किसी को प्रेम हो जाए तो कभी दिल से नहीं निकलता। अच्छा ये प्रेम आपको शादी से पहले भी हुआ है? शादी से पहले भी था, मैंने तो सिर्फ अपनी बीवी के अलावा, जब मेरी बीवी थी शादी, तो मैंने किसी औरत को देखा ही नहीं था, ना मैं कभी कभी किसी नज़र से देखता था। शादी के बाद ना? हाँ शादी के बाद। मुझे शादी से पहले तो मैं एक जवानी होती है, जवानी में तो सभी गलतियाँ करते हैं, कौन नहीं करता। हाँ, नहीं, आप हो सकता है मुझसे भी गलती हो गई, इसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह से भी माफ़ी चाहता हूँ। आपने जैसे भी जिक्र किया तो मेरे वाली साहब की भी 2 शादी थी, मेरे भी थी, आपकी भी 2 शादी है? हाँ तो मेरी 2 शादी ऐसी हुई ना, मेरी वाली साहब की, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। ठीक है, मेरे वाली साहब हकीम थे, यंग थे, जवान थे इतनी उम्र में, तो लाजी बात है उनको, अगर उनकी बीवी होगी तो अगर उनको टांग में तकलीफ है, टांगे कौन दबाएगा और मालिश कौन करेगा, सर की मालिश कौन करेगा, खिदमत कौन करेगा, बहुओं से तो कराएगा नहीं, बेटी से तो बाप कराएगा नहीं। ऐसी मुझे भी चाहिए कि मैं अपनी बहुओं से तो नहीं कराऊंगा या बेटी से तो मालिश कराऊँ, मुझे खिदमत वाली औरत चाहिए। अगर मुझे कोई अच्छी औरत मिलेगी मैं उससे शादी कर लूँगा, नहीं तो अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजार दूँगा, मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए। दूसरी शादी जो है आपने 2 शादी की थी यानी कि अभी बताया था आपने, एक उसको छोड़ो। अच्छा उसको नहीं लाओ, बिल बतोड़े नहीं लाओ, नहीं उनकी लंबी कहानी हो जाएगी। अच्छा नहीं इश्क तो कर सकते, इश्क तो बता सकते ना? हाँ तो मुझे तो इश्क तो सभी से है, हर औरत हर लड़की हर आदमी हर बच्चा, मेरी कमज़ोरी है प्यार, मैं सबसे प्यार करता हूँ, मेरी कमज़ोरी है प्यार। मैं वो डायलॉग नहीं बोलता कि मुसरत क्या नाम है मुस्तफ़ा कुरैशी ने एक फिल्म में बोले थे, मेरी कमज़ोरी है औरत, मेरी औरत कमज़ोरी नहीं है, मेरी कमज़ोरी है मोहब्बत, मैं हर एक से प्यार करता हूँ, ये मुस्तफ़ा कुरैशी की एक फिल्म में डायलॉग थे। वा, वा, वा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मेरी कमज़ोरी मुस्तफ़ा कहता है, मुस्तफ़ा कुरैशी कैसे कहता है, मेरी कमज़ोरी औरत, मेरी कमज़ोरी औरत, औरत जो है मेरी कमज़ोरी है। उसके अब उसके आगे मायने वो खुद जानता है, अंदर के उसके क्या मायने, इसके इसके बारे में मैं अपने लिए जानता हूँ उसको, इसके बारे में आपका जो इश्क हुआ पहले, जो मोहब्बत थी पहले शादी से पहले, जी जी वो कोई सुना मैंने कि कोई लाहौर की कोई आर्टिस्ट थी, उसे जी शादी नहीं हुई लेकिन मोहब्बत थी, मोहब्बत थी, वो थी ऐनक वाले जिन में काम कर रही थी, लिहाजा उसने बहुत सारे पंजाबी ड्रामों में काम किया, उसका नाम था मेरी बीवी का रज़िया, और मज़े की बात दूसरी बीवी का भी नाम रज़िया ही है, मेरा सितारा भी एक ही है, दोनों 2 बीवी एक नाम की, समझे। और जो मेरी मिस थी, और जो मेरी मिस थी जब मैं पढ़ता था उसका नाम भी रज़िया था, मैं बचपन से इश्क करता था, मैं अपनी मिस से भी प्यार करता था, तो रज़िया ही मिली, और रज़िया ही मिली,
और मुझे रज़िया नाम से बहुत प्यार था, लिहाजा ये जो मेरी मोहब्बत थी ये ऐनक वाले जिन में थी, ये मुझे बुला रही थी। ऐनक वाले जिन में क्या किरदार था? अनका जादूगरनी थी वो, बिल बतौड़ी नासा जो। हाँ बस ये थे दो दो किरदार उसने किए हैं, लिहाजा वो जो है ना क्या नाम कुछ ऐसे इख्तलाफ हुए थे। अब मैं क्या आपको बताऊँ अंदर में क्या जाना कि मतलब ये है कि अब मैं अगर अंदर की बात बताऊंगा तो मेरे बच्चे सुनेंगे तो उनको तकलीफ होगी। क्या होगी? वो तो माजी हो गया ना। हाँ लिहाजा वो जब वो मुरे पे जा रही थी उसका नाम था ड्रामों में फाखरा भट, कश्मीरी थी फाखरा भट, और वैसे उसका नाम था असली रज़िया सुल्ताना। लिहाजा वो जो थी जब वो उमरे पे जा रही उसका मेरे पास फ़ोन आया कि मैं उमरे पे जा रही हूँ, तो वो मुझे बुला रही थी, मैं एयरपोर्ट जा नहीं सका, किसी होटल में एयरपोर्ट पर कराची में ठहरी थी, मैं देर से पहुंचा, उसकी फ्लाइट निकल चुकी थी, जब वो फ्लाइट चली गई मैं उससे मेरी मुलाकात नहीं, पता नहीं वो अपनी माफ़ी तलाफ़ी करती या जो भी करती है, हमरे पे जाने से मुझसे मिलती आखिरी मुलाकात करती। जब वो वापस आई तो मैंने अचानक एक दिन लाहौर फ़ोन लगाया, वो रहती थी सदर बाज़ार खरास मोहल्ला लाहौर में सदर थाने के अंदर, मकान नंबर उसका था वालिद का 1071, आज तक मेरे जहन नशीन है 1071। वो रहती थी, अब उसके बेटे उसने शादी कर ली थी, एक बेटे का नाम था हैदर और एक बेटे का नाम था खुर्रम। अभी वो मुझे जो बच्चे थे मुझे पहचानते थे, जवान होंगे मुझे पहचानते नहीं हैं, वो समझ लो कि अगर वो मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं उससे सच्ची उससे भी मोहब्बत करता था, इसलिए कि वो फाखरा भट थी, वो भी मेरी जान थी, क्यों मैंने ज़िंदगी में पहली औरत वही देखी थी, उसके बाद मेरी शादी जो है वो भी इसी के नाम से हुई, रज़िया के नाम से मैंने शादी की। मेरी जो ये दूसरी शादी हुई थी मेरे बड़े भाई की साली थी, मेरी भाभी थी, उसने मैं पागल हो गया था जब ये चली गई थी ये फाखरा, ये थी रज़िया नाम था इसका, तो फिर मुझे मेरी शादी मेरी भाभी ने कर दी, इसकी उम्र थी 13 साल थी टोटल, ये ना समझ थी, ये जो है ना समझो कि नाबालिग थी, और इसको इससे मेरा निकाह हो गया था। उसके बाद जो है ना इसको हम रुखसती करके लेकर गए थे अपने वालिद के घर में, मेरे वालिद का घर था पाक कॉलोनी हसरत मोहानी कॉलोनी में बारूद खाना रोड पे, अब वो मकान बिक चुका है मेरे वालिद का, उसमें मैं जो है क्या नाम है वो जो है उसके अंदर जो है क्या नाम है मेरी शादी हो गई थी। तो फिर जब वो कुछ अरसे तक वो रही, मैंने मखाने खिलाए ये खिलाए मुहर्रम गज़ाए खिला खिला के उसको मैंने जल्दी उसको जवान कर लिया, बालिग कर लिया। बालिग करने के बाद फिर सब ने कहा ये पागल हो जाएगा, मेरी भाभी को डॉक्टर ने कहा, तो फिर मेरे फिर वो मेरे पास आई। उसके बाद अब मैं माशाल्लाह उसी बीवी से 12 बच्चों का बाप हूँ, 5 बच्चे मौजूद हैं, 4 लड़कियाँ 1 लड़का, लिहाजा 5-7 बच्चे इंतकाल कर गए इसी बीवी से हैं। ये मेरी बीवी छोटी उम्र की थी मेरी, मैं अपनी बीवी से जो है ना 20 साल बड़ा था। और हिकमत भी जानते थे आप? हैं हिकमत भी जानते थे? हिकमत तो मैंने बाद में करी हैगी। अच्छा। उस वक्त मेरा हिकमत से कोई ताल्लुक नहीं था, ये मेरी तन्हाई और ये मेरी तन्हाई का है, हर काम जो मैंने सीखा है बीवी के मरने के बाद इंतकाल के बाद सीखा, वो दुनिया से चली गई है, मैंने इससे पहले कुछ मैं मुझे कोई इससे सरोकार नहीं था, कोई मुझे चाहत नहीं थी इस हिकमत के काम से या डांस से या गाने लिखने ड्रामे से, ये समझ लो कि ये मेरी बीवी की तन्हाई ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है भाई, ये समझ लो कि उसने अपने जाने के बाद मुझे वो चीज़ दे दी है कि जो मैं अगर ऐसा नहीं करता तो मैं इस वक्त आप मुझे कचरे खाने पे कचरा बीनते हुए देखते, उस कचरे से बचने के लिए मैं अपने आप को मसरूफ़ रखता हूँ, रात दिन तन्हा रहता हूँ, पूरे मकान में 5 कमरों का मकान है, 3 कमरे नीचे 2 कमरे ऊपर हैं, अब मैं तन्हा रहता हूँ, मैं जोड़े को देखता रहता रोता रहता।